सब्सक्राइब कीजिए इनोवा इन्फो चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इनोवा इन्फो में। तो गाइस, आपको पता ही होगा कि एचपी ने 2021 में एक सीरीज लॉन्च करी थी जिसे डीके सीरीज कहते हैं, जो कि एचपी की पवेलियन सीरीज का ही ये गेमिंग सीरीज है। तो जिस लैपटॉप की हम आज अनबॉक्सिंग करने वाले हैं वो है एचपी 15DK 1514TX। ये लैपटॉप एचपी ने 2021 में ही लॉन्च किया है विद कोर 10 जनरेशन। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा गाइस, ये वीडियो उन लोगों के लिए यूजफुल होने वाली है जो कि गेमिंग लैपटॉप और ऑफिशियल वर्क के लिए कोई अच्छे लैपटॉप ढूंढ रहे हैं। उन लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है जो कि कोई एडिटिंग और ऑफिस के लिए कोई लैपटॉप हैवी देख रहे हो, ये वीडियो उनके लिए यूजफुल होने वाली है। तो गाइस, आपको ये कहां से सस्ता पड़ेगा ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो चलिए अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, ये है हमारा लैपटॉप। तो आप डिब्बे को देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैंने अमेजोन से मंगा रखा है। चलिए तो इसे अनबॉक्स करते हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारा एचपी का बॉक्स है, ये मेरा अमेजोन का बिल है, इन दोनों को रखते हैं साइड में। पहले मैं आपको स्पेसिफिकेशन दिखा देता हूँ इसकी। तो गाइस, ये है हमारा एचपी का बॉक्स, आप देख सकते हैं। और ये रहे इसके स्पेसिफिकेशन, एचपी पवेलियन गेमिंग लैपटॉप 15DK 1514TX, जिसमें कि हमको मिल जाता है कोर i5 10300H प्रोसेसर है इसका, एंड 256GB SSD मिल जाती है हमें, और 1TB की हार्ड ड्राइव मिल जाती है हमें इसमें। और हमें इसमें विंडो 8 लिखा हुआ है। वैसे जब मैंने बाय करा था अमेजोन से, तो अमेजोन में लिखा हुआ था कि इसमें विंडो 10 इंस्टॉल्ड है, जो कि आपको लाइफ टाइम के लिए मिलेगी। 8GB की आपको रैम मिल जाती है इसमें DDR4। आपको इसमें 15.6 इंच की फुल HD IPS LED डिस्प्ले मिल जाती है। और सबसे खास बात जो कि इसका मेन हीरो है, NVIDIA। इसका आपको ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा 4GB का, जो कि 1650 Ti, जो कि लेटेस्ट वर्जन है। और आपको इसमें MS Office भी लाइफ टाइम के लिए फ्री मिलेगा। बाकी चलो इसको भी अनबॉक्स करते हैं। तो आपको इसका बॉक्स अलग से दिखा देता हूँ, जहाँ पे इसने ब्रांडिंग कर रखी है इंटेल इनसाइड, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी मिल जाएगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था आपको। इसे आपको एक्टिवेट करना पड़ेगा और ये लाइफ टाइम के लिए फ्री रहेगा। चलिए तो गाइस, इसे भी खोलते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देखने को मैनुअल मिल जाएगा, जो कि कोई नहीं पढ़ता है। अगर आप फ्री हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं, इस मैनुअल को। यहाँ पे गाइस देखने को मिल जाता है हमारा लैपटॉप, जो कि कुछ इस तरीके से है, जो कि कुछ इस तरीके से हमारा लैपटॉप हमें देखने को मिल जाता है। और साथ ही हमें देखने को मिल जाता है इसका चार्जर। बॉक्स हो चुका है पूरा खाली, इसे रखते हैं साइड में। यहाँ पे चार्जर की बात करते हैं पहले, तो केबल जैसा कि हर बार अच्छी आती है इसकी, केबल को रखते हैं साइड में। यहाँ पे हमें चार्जर देखने को मिल जाता है, क्योंकि 150 वाट का चार्जर है, आप देख सकते हैं 150 वाट लिखा है इस पे, उसको भी रखते हैं साइड में। यहाँ पे आ जाता है हमारा लैपटॉप। ये रहा हमारा लैपटॉप, देखने से ही प्रीमियम फील आती है। अब एक बार इसका लुक देखिए, यहाँ पे एचपी का एक लोगो है जो कि पर्पल कलर में है, जो कि एकदम प्रीमियम लुक देता है ये एचपी, और हाथ में लेने से प्रीमियम लगता है एकदम है। लेकिन ये एक तरीके से पूरा प्लास्टिक, ये पूरा प्लास्टिक बेस है, लेकिन अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक है। तो कर लेते हैं इसके पोर्ट्स की बात। तो आपको लेफ्ट साइड में एक पोर्ट देखने को मिल जाता है, HDMI पोर्ट। दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाता है USB 3.0 का पोर्ट। अब यहाँ पे आपको लेंथ का पोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि आपको बेहतर इंटरनेट की स्पीड प्रोवाइड करवाता है। और यहाँ पे आपका टाइप सी एक पोर्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पे आपका एक SD कार्ड लगाने के लिए देखने को मिल जाता है आपको।
राइट साइड की बात करें दोस्तों, तो राइट साइड पे आपको मिल जाता है एक माइक्रोफोन और हेडफोन का जैक। यहाँ पे आपको 2 3.0 USB पोर्ट देखने को मिल जाता है, यहाँ पे आपको चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाता है। तो गाइज यहाँ पे आपको एक इंडिकेटर भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये इंडिकेटर जब आपका लैपटॉप ऑन रहेगा तब ये इंडिकेटर ब्लिंक करेगा। तो बात करते हैं इसके बैक साइड की, तो बैक साइड पे आपको मिल जाता है ये एयर वेंट, जो कि आपके लैपटॉप को बिल्कुल कूल कर गया। यहाँ पे आपको पवेलियन की ब्रांडिंग देखने को मिल जाती है, क्योंकि ये पवेलियन सीरीज का लैपटॉप है। तो यहाँ पे आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का लोगो दिख जाता है, और आपको चार ग्रिप मिल जाती है, 1 2 3 4, जो आपके लैपटॉप को बेहतर ग्रिप प्रोवाइड करेगी। और खास बात इसकी दोस्तों ये है, ये गेमिंग लैपटॉप है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो इसमें आपको 2 फैन देखने को मिल जाते हैं, इन्हें कहते हैं टर्बो फैन। इसमें 4GB का ग्राफिक कार्ड पड़ा है, तो ये हीट भी होएगा। तो कंपनी ने पहले ही इसमें 2 टर्बो फैन दे दिए हैं, एक ये रहा, एक टर्बो फैन ये रहा और एक टर्बो फैन ये रहा। इसके 2 टर्बो फैन है, जिससे कि कूल रहेगा हमेशा के लिए, और एयर वेंट भी दे रखा है कंपनी ने। ये है हमारा फ्रेंड्स लैपटॉप, जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा फर्स्ट लुक इस लैपटॉप का, तो इसे हटा लेते हैं। तो गाइस बात कर लेते हैं इसके यहाँ के इंटरफेस की। तो आपको यहाँ पे पवेलियन ब्रांडिंग दिख जाएगी, दिखी भी यहाँ पे आपको व्हाट्सएप का HP की तरफ से सपोर्ट भी मिलता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है इस लैपटॉप में या HP के आने वाले किसी भी लैपटॉप में, तो फिर आप यहाँ पे एक नंबर है उसको आप व्हाट्सएप पे इनको अपनी परेशानी बता सकते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि लाइफ टाइम के लिए फ्री है, इसे आपको एक्टिवेट करना होगा। और यहाँ पे आपको कोर i5 का ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगी इंटेल की। यहाँ पे आपको NVIDIA का ग्राफिक कार्ड मिल जाएगा, जो कि 4GB का है, और यहाँ पे इसका रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 144Hz है। सामने की बात कर लेते हैं हम, यहाँ आपको ड्यूल स्पीकर देखने को आगे मिल जाएंगे, जो कि स्पीकर का डिज़ाइन भी आप देख सकते हैं पास से, जो कि कुछ इस तरीके का है, आप देख सकते हैं। एक आपको यहाँ मिल जाएगा स्पीकर देखने के लिए, एक आपको यहाँ मिल जाएगा, लेकिन ये डिज़ाइन के लिए मैं तो HP को 10 out of 9 देना चाहूँगा, क्योंकि ये डिज़ाइन बड़ा ही प्रीमियम लुक देता है। ये ऑल लैपटॉप से गाइस ये थोड़ा सा हैवी है, इसका वेट 3.26 ग्राम है। गाइस आपको इसमें 8GB की DDR4 रैम देखने को मिल जाती है, पर ये HP के अकॉर्डिंग DDR6 तक सपोर्ट कर लेता है। और इसकी जो रैम है 8GB, आप इसे अपग्रेड कर सकते हैं इन फ्यूचर 32GB तक। और आपको इसमें DVD राइडर देखने को नहीं मिलता है, उसकी जगह आपकी SSD लगी हुई है इसलिए। और आपको इसमें बैटरी के सेल देखने को मिल जाते हैं, जो कि 3 सेल आपको लिथियम आयन बैटरी देखने को मिल जाती है इसमें। और स्क्रीन की हम बात करें तो स्क्रीन आपको IPS LED फुल HD डिस्प्ले 15.6 इंच की देखने को मिल जाती है इसमें। और आपको इसमें विंडो 11 का अपडेट भी इन फ्यूचर मिल जाएगा, जैसे ये रोल आउट होएगा। और फ्रेंड्स बेजल की अगर बात करें, तो बेजल में तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्लिम बेजल HP प्रोवाइड करवा रही है आजकल हर लैपटॉप में, ये काफ़ी स्लिम है। इसका वेबकैम की अगर हम बात करें, तो वेबकैम आपको 720 पिक्सल HD वेबकैम मिलेगा आपको देखने के, बगल में आपको LED लाइट मिलेगी छोटी सी देखने के लिए यहाँ पे। चलिए तो इसका फर्स्ट बूट कर लेते हैं गाइस। मैं गाइस इसके कीबोर्ड की भी बात करूं आपसे, तो इसके कीबोर्ड में लाइट आपको देखने को मिल जाती है, आपको कीबोर्ड न्यूमेरिक देखने को मिल जाता है। आप इसकी कीबोर्ड की लाइट कम या ज्यादा F5 से कर सकते हैं, ये इसकी लाइट जल चुकी है अगर आप रात में काम कर रहे हैं तो। ये यहाँ पे कोर्टाना स्टार्ट हो चुकी है और आपको पता है ये चुप नहीं होगी। चलो स्किप करते हैं फटाफट।
आपका थोड़ा टाइम ये ले लैपटॉप, लेकिन कोई बात नहीं, पहला बूट देर से ही होता है। देख सकते हैं पहला बूट हमारा कंप्लीट हो चुका है। और एक बात और मैं बताना चाहूंगा गाइस, इसमें आपको SSD मिल जाती है 256 GB की, जो कि आपको बेहतर स्पीड प्रोवाइड करवाएगी हर चीज में, और ग्राफिक कार्ड 4GB का मिलता है जो कि उसे और अच्छा बना देता है। तो गाइस इसका बूट ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मैं आपके सामने इसे फिर से बूट करने की कोशिश करता हूं दोबारा। अब आप देखिएगा कितनी देर में बूट हो जाता है। यहां पे मैंने शट डाउन कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसे दोबारा बूट करेंगे। यहाँ पे हमारा ब्लिंक होना बंद हो चुका है, इसका मतलब हमारा ऑफ हो चुका है। चलिए इसे दोबारा ऑन करते हैं। अब आप देखिएगा गाइस कितनी देर में बूट हो जाता है। देखिए तो 5-6 सेकंड में ये बूट हो चुका है। तो आपको मैं इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताऊं, परफॉर्मेंस एकदम इसकी मक्खन जिसे बोलते हैं वो है। और फ्रेंड्स मैं बात करूं इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस आप इसमें कोई भी हैवी से हैवी 45 GHz तक की गेम खेल सकते हैं, जो कि 45 GHz सपोर्ट करते हो। और साथ ही आप इसमें 45 GHz तक की कोई भी इसमें एडिटिंग सॉफ्टवेयर चला सकते हैं, चाहे वो कितना भी हैवी हो। इसका 4GB का NVIDIA का ग्राफिक कार्ड है जो कि सपोर्ट कर जाएगा, और इसको स्पीड अप देने के लिए 256 GB की इसमें SSD लगी हुई है जो कि ये सब कुछ झेल लेगी। और गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा ये ऑफिस वर्क के लिए भी बेहतरीन है, कोई कोई ऑफिस वर्क के सॉफ्टवेयर काफी हैवी होते हैं जिन्हें आराम से इजीली चला सकता है। जैसा ही गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मैं आपको ये बताऊंगा कि मैंने ये कितने का लिया है, आपको ये तो पता ही है मैंने अमेजोन से बुक करा है, और ये मुझे 62,990 का पड़ा है। मेरे पे कोई कार्ड नहीं था क्योंकि क्रेडिट कार्ड पे भी डिस्काउंट चल रहा था उस समय, मेरे पे कोई क्रेडिट कार्ड नहीं था। अगर आप पे है तो आपको ये 2,000 रूपये और सस्ता मिल जाएगा फ्रेंड, और आपको ये सस्ता इस समय ऑनलाइन पे ही मिलेगा जैसा कि मैंने आपको बताया है, और ये आपको ऑफलाइन मार्केट में इस समय महंगा मिलेगा। तो गाइस ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, मैं गेमिंग आपको इसमें खेल के अगली वीडियो में दिखाऊंगा, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा गाइस, इसीलिए आशा करता हूँ फ्रेंड्स आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना यार, फ्री है। एंड गाइस माय नेम इज अंकित शर्मा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।